मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन कर रहे हैं स्पेशली आयनिक सॉलिड्स में, आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत। अभी तक हमने जो लिया है, जिसका हमने अध्ययन किया है, फैक्टर्स जो कि सॉल्यूशन एनर्जी या सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, इनका अभी जस्ट इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने अध्ययन किया था। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंस, डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको फाइनेंस इंग्लिश में सब बोलते, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है और ये कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, संक्षिप्त में फैन नेम लिखे, ठीक है। तो अपन चलते हैं, इसको करते हैं, दिस इज वेरी सिंपल। तो इससे समझने से पहले एक अपन जो समझने की कोशिश करेंगे, अपन ने कई बार सोचा, जैसे कि कई बार एक टर्म आती है पोलर एंड सेकेंड नॉन पोलर, नॉन पोलर। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द पोलर एंड पोलैरिटी, व्हाट इज द नॉन पोलर। मैंने आपको इससे पहले कई बार, जैसे अपने केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट MOTVBT का जब अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था कि भाई सपोज दैट एक्स एंड वाई, ओके, अगर एक्स एटम और वाई एटम, एक्स एटम और वाई एटम दोनों के बीच में जो बंद होता है, अगर बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन मिड, अगर बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों के मध्य में उपस्थित है, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। और नॉन पोलर को क्या बोलते हैं, अधिक, ध्यान रखिएगा। लेकिन सपोज दैट इसका जैसे सपोज एक शेल, क्योंकि क्लोराइड और क्लोराइड दोनों के बीच में जो बंद का इलेक्ट्रॉन है कहाँ रहेगा, इन मिड, शेल तो हो गया। लेकिन इसके अलावा सपोज दैट इसका जस्ट अपने लिया था NaCl, क्योंकि NaCl में, सॉरी ये इसका नहीं लिया अपने, ये नॉन पोलर हो गया जैसे शेल को लिया था। लेकिन जैसे अब ये ध्यान रखिएगा, ये नॉन पोलर होगा अगर दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स उनके मध्य में उपस्थित होता है, या जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो इन बिटवीन उपस्थित होते हैं, किस केस में हो सकते हैं, दोनों एटम क्या करेंगे, दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, सेम, ठीक है, देर साइड। लेकिन इन केस अगर दोनों में जो दोनों एटम है, जैसे कि लाइक है ये NaCl, सोडियम क्लोराइड, अगर क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सोडियम से ज़्यादा है, तो जो बंद के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस और किसकेंगे, यानी कि वह जो बंद के या जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम मीन्स क्लोराइड की ओर खिसक जाएंगे, तो उसमें क्या हो गई, एक पोलैरिटी जनरेट होगी, जिसको अपन बोलते हैं ध्रुवणता। क्या कहलाएगा वो, ध्रुवणता कहलाएगा, यानी उसको बोलेंगे अपन पोलर, है ना, ध्रुवणता। तो यहाँ पे अपन, मेरा एक सिंपल सा है कि भाई जैसे अपन फैन की बात करते हैं, तो फैन रूल्स बिल्कुल पोलर यानी कि ध्रुवणता के ऊपर आधारित है, और इस
इसको अपन को समझने के लिए, क्योंकि पॉलिटी के आधार पर अपन क्या करेंगे, कोवलेंट नेचर या आईवी कैरेक्टर को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो अब देखेगा यहाँ पे अगर अपन फेयर नेम की बात करेंगे तो सबसे पहले हाई एसयू देखिएगा। यहाँ पे एक में बहुत ही सिंपल, इसमें के अपने को जो बताया गया कि पॉलिरिटी और नॉन पॉलिरिटी वाला गेम है, सपोज दैट यहाँ पे द नाइन, ठीक है, और ये रिनाइन, ठीक है, जो कि रिनाइन का साइज क्या है, बड़ा एज कंपेयर पॉजिटिव आइन स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, ओके, नेगेटिव आइन लार्जर साइज, लार्जर साइज यू, ठीक है। यहाँ पे धनायन है, इसकी साइज छोटी थी, यहाँ नेगेटिव आइन है, इसकी साइज बड़ी। डेयर स्टूडेंट, जब एक धनायन एक छो अब फाया नेम यहाँ से लागू हो जाता, फाया नेम के अकॉर्डिंग एक छोटा धनायन अगर रेनाइन के पास में आता है तो क्या होगा, ये जो धनायन होते हैं अगर ये जब एक दूसरे के पास में आते हैं तो रेनाइन यानी कि जो धनायन होता है ये क्या करेगा, इस रेनाइन को डिस्टोर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। और वो किस प्रकार से फॉर्म में आएगा, जब ये दोनों को अपन पास पास में लाते हैं तो जैसा कि एक धनायन और ए रिनाइन, ठीक है, लेकिन जब ये पास पास में आते हैं ना तो छोटा धनायन रिनाइन को क्या करता है, डिस्टोर्टेड कर देता है, विकृत कर देता है। कहने का मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनको अपने ओर आकर्षित करता है। और किस तरह से देखिएगा, ये है और इस तरह से है ना, यानी इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं इस तरह से, यानी कि इस धनायन के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, इसको डिस्टोर्टेड कर दिया गया, डिजनरेट कर दिया गया, किसके द्वारा, एक धनायन के द्वारा। तो यानी कि अब यहां पे इसमें क्या हो गया, पोलैरिटी जनरेट हो गई, पोलैरिटी क्या जनरेट होगी, यानी कि इसमें ध्रुवणता आ गई, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, पोलैरिटी बोलेंगे, क्योंकि एक छोटे धनायन के द्वारा रेनाइन के आकार को डिस्टोर्टेड कर दिया गया, यानी कि उसको विकृत कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर डेंस टू डेंस अपन बात करेंगे पोलैरिटी यानी कि पावर ऑफ द पोलैरिटी, अर्थात यानी कि जो पोलैरिटी होती है यानी कि धनायन की जितनी ताकत होगी, यानी कि वो पोलैरिटी क्या होगा, पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि अगर धनायन का आकार छोटा है ना तो उस ऋणायन को उसने अपनी ओर आकर्षित करके उसमें पोलैरिटी जनरेट कर दी, ठीक है, ये हो गया यानी कि धनायन की ध्रुवण क्षमता, ठीक है। अगर अब क्या करेंगे, तो इस प्रकार ये जो आप पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी मैंने इससे पहले डिस्कस किया था, यानी कि ये अपना जो फ्रेंड्स नेम है ये पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब धनायन के द्वारा ऋणायन को विकृत कर दिया गया तो इसमें क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर जिनको बोलते हैं अपन सहसंयोजक गुण, क्या होते हैं, सहसंयोजक गुण आ जाते हैं। और अपने सोलिबिलिटी में भी ध्यान किया था, क्योंकि अगर कोई छोटे धनायन के द्वारा ऋणायन को विकृत कर दिया जाता है तो उसमें सहसंयोजक गुण आ जाते हैं और उसकी सोलिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक आपको मैंने बताया था और इसी नियम के आधार पर फाइन रूल आधारित है। अब नेक्स्ट अपन चलेंगे सबसे पहले फाइन, क्योंकि फाइन नियम जो है इसके द्वारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड कोवलेंट नेचर्स एंड अपन क्या क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक, सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, थर्ड है कोवलेंट नेचर, कोवलेंट नेचर,
चेंजिंग कोवलेंट नेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोवलेंट नेचर हो गया, ठीक है। एसिडिंग नेचर भी अपन इसके द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, एसिडिंग नेचर होगी, आयनिक नेचर होगी, या सोल्युबिलिटी जिसको बोलते हैं, सोल्युबिलिटी को भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो डेयर स्टूडेंट, सबसे पहले अपन जैसे कि अपन एक साथ में लेंगे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, कोवलेंट नेचर है और एसिडिक नेचर है, ठीक है। अब चलते हैं अपन, यहां पर देखे सबसे पहले लेंगे साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। अब साइज ऑफ कैटायन अगर अपन प्रेडिक्टेबल की बात करें, सपोज दैट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम ओके और स्टार्च सबके ऊपर प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, ठीक है, इनकी बात करें, यानी कि अगर अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम अगर अपन टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, है ना, क्योंकि साइज बढ़ ही रही है और सबके ऊपर प्लस टू है, तो कोवलेंट नेचर क्या है, यानी कि सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण, या इसको बोलते कोवलेंट नेचर, CO कोवलेंट नेचर या कोवलेंट प्रॉपर्टी, अगर टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो सहसंयोजक गुण क्या है, बढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इनका इंडिविजुअली अगर अपन देखेंगे 0.31, 0.65, 0.99 और 1.7 आरएच को, ये क्या है, डेड एसिड करने का मतलब, यानी कि जो साइड है टॉप टू बॉटम जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, और साइज बढ़ रही है यानी कि पीरियडिक टेबल में जो है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इनका कोवलेंट नेचर भी टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो कोवलेंट नेचर बढ़ रहा है, इट मीन्स अगर कोई नेगेटिव आयन इनके पास में लाएंगे तो ये पोलैरिटी जनरेट करेंगे और सहसंयोजक गुण उसमें आते जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर अपन बात करेंगे साइज ऑफ एनायंस, कैटायंस की जगह अपन क्या लें, एनायंस, ठीक है। अब देखिएगा अगर एनायंस किसके रेफरेंस में लेंगे, अपन हेलोजन के रेफरेंस में लेते हैं, जैसे कि क्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज तो बढ़ रही है इनके भी, है ना, और इनकी जो रेडियस है, रेडियस का मान देखिएगा आप 1.5, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, अगर रेडियस की बात करेंगे 1.36 लाइक दिस, 1.36 आर्मस्ट्रॉन, 1.81 आर्मस्ट्रॉन लाइक दिस, और 1.95, 2.16 आर्मस्ट्रॉन, ठीक है। और इनका जो हेलोजन का है ये देखते हैं कि नेगेटिव आयन है ना, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्योंकि नेगेटिव आयन की साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, तो टॉप टू बॉटम जाने पर नेगेटिव आयन की साइज बढ़ती जा रही है, ठीक है, तो क्या होती जाएगी, पॉजिटिविटी भी बढ़ती जाएगी, अगर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, कोवलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई छोटा धन आयन इनके पास में आएंगे तो क्या करेगा, जितना ज़्यादा उस पर नेगेटिव आयन की साइज बड़ी होगी तो क्या होगा, आयनिक कोवलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये ही करेगा, तो कोवलेंट नेचर भी बढ़ता जाएगा, कोवलेंट टॉप टू बॉटम पर चलते जाएंगे, तो ठीक ये हो गया। अब चलते हैं अपन थर्ड
चार जो है धनायन। टाइम्स मतलब यह है कि अगर धनायन है, अगर धनायन का जैसे जैसे आवेश बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, व्हाट हैपन, अरे भाई अगर सपोज अपन कहते हैं भाई नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है, इट मीन्स क्या होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे, नेगेटिव आयन का आकार बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर धनायन का आकार कहा जा रहा है चार्ज ऑन द केटाइन्स या चार्ज ऑन द पॉजिटिव आयन्स, इसका मतलब ये पॉजिटिव आयन बढ़ने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं और उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। छोटा धन आयन अगर बड़े ऋण आयन के पास में ले जाएंगे तो क्या करेगा, ये उतने ही क्षमता से उस ऋण आयन को डिस्ट्रिब्यूटेड करेगा। इसलिए टॉप टू बॉटम चलेंगे, इन केस ऑफ द पीरियडिक टेबल चलेंगे। अगर धन आयन का आकार या धन आयन का आवेश बढ़ता जा रहा है तो पोलैरिटी नेचर ज़्यादा आएगी, यानी कि कोवेलेंट नेचर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, एम आई राइट? जैसे कि सोडियम है एन, जैसे कि अगर क्लोराइड से, जैसे कि अपने कई बार जैसे NaCl है, MgCl2 है और LCl2, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम चलेंगे तो कोवेलेंट नेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टॉप टू बॉटम कोवेलेंट नेचर बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अब अपन थर्ड जो बात करने जा रहे हैं वह है चार्ज ऑन नेगेटिव आयन। अब इसको समझने की कोशिश करना, थर्ड इज चार्ज ऑन नेगेटिव आयन, नेगेटिव स्टूडेंट्स। मैंने जस्ट ब्रीफ किया था कि भाई अगर धनायन के केस की बात करेंगे तो धनायन पर आवेश बढ़ने का मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते जाते हैं। अगर नेगेटिव आयन के केस में अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव आयन के रेफरेंस में अपन देखेंगे, अगर नेगेटिव आयन का साइज बढ़ता जा रहा है इट मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉन्स आते जा रहे हैं। अब उसके पास में कोई छोटा धनायन लाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नंबर को आसानी से डिस्ट्रोकेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ क्लोरेट है ना, सल्फेट है, फॉस्फेट है, अगर यानी कि कार्बोनेट है ना, इनका अगर अपन देखते हैं इन रेफरेंस लाइक दिस, सपोज CnO4 क्लोरेट और SO4 -2 है और फॉस्फेट PO4 -3, यानी कि क्लोरेट, सल्फेट, फॉस्फेट। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट अगर अपन इन द रेफरेंस बात करें, क्योंकि अपन ने देखा है कि जैसे क्लोरेट -1 आयन है, फिर सल्फेट पे 2 आयन है, यहाँ पर फॉस्फेट पे 3 आयन। ठीक है, अब जैसे कि इसका एसिड अपन देखते हैं HClO4, ठीक है, यह है H2SO4 लाइक दिस, H2SO4 हो गया। थर्ड पर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, H2S3PO4-3, ठीक है, ये हो गया, यानी कि H2SO4 हो गया, इसको अपन जैसे SO4 हो गया, H2SO4 हो गया और H3PO4 हो गया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, अपने कहा था कि एसिडिक करेक्टर भी अपन ऑन बिहाफ ऑफ द फाइन्स रूल्स वी हैव एक्सप्लेन दी एसिडिक नेचर ऑफ दी इन फ्यू केसेस। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं अपन, है ना, तो सहसंयोजक या कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है, कोवेलेंट नेचर, है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन इनकी क्या हो रही है, एसिडिक नेचर कम होती जा रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम चलेंगे ना तो अम्ले प्रवृत्ति कम होती जा रही है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करने की क्षमता कम होती जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम चलेंगे अपन कोवेलेंट नेचर तो बढ़ती जा रही है, देखिए अम्ले प्रवृत्ति घटती जा रही है। ठीक है,
हमने पढ़ दिया एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर कम होती जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो फायर्स रूल हाउ यू कैन एक्सप्लेन, यानी कि फायर्स रूल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और फायर्स रूल्स के आधार पर अपन क्या क्या चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सब आपके साथ है, ठीक है। तो फायर्स रूल्स में छोटा धन आयन, बड़ा ऋण आयन, चार जोन कैटायन, चार जोन एनायन, और उसी के आधार पर अपन इनकी क्या कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक प्रवृत्ति को भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। थैंक्स।